कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम HSSC में ज्योग्राफी के आए हुए क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैंने उठाया है SI हरियाणा पुलिस का पेपर। मैं पहले यही पेपर करवाऊंगा आपको, हरियाणा पुलिस SI ये पेपर, क्योंकि सुनने में आ रहा है शायद ये पेपर जल्दी होंगे, इसीलिए सबसे पहले मैंने ये बड़ा टॉपिक उठाया आपके लिए। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया था SI के पेपर में, हरियाणा ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया। इस क्वेश्चन का आंसर है जब यह आया था उस समय 53। मगर इससे जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हम सभी को ही पता है कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। कब गठन हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। मैं बताऊं HSSC में कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन भी HSSC में आया था कि 1 नवंबर को भारत के कितने राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 1 नवंबर को कितने राज्य भारत के अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। आज वर्तमान समय की मैं बात करूं तो आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन मिलता है। आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन मिलता है। मगर जब संविधान लागू हुआ था या भारत में राज्य बने थे, उस समय की बात करें, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, ठीक है। कहते हैं कि भाषा के आधार पर भारत में राज्य बनाए गए थे। फजल अली आयोग ने राज्य बनाए थे। 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट शामिल की गई तो हमारे देश में पहली बार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन मिला। जो अब परिस्थिति है वो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की, ठीक है। शुरुआत में 24 जनवरी 1950 की बातें करें या 26 जनवरी 1950 की बातें करें, तो प्रारंभ में लगभग 9 राज्य शामिल हुए थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर शामिल था, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश शामिल था, फिर उसके बाद में बिहार शामिल था, फिर उसके बाद में असम शामिल था, फिर उसके बाद में नेक्स्ट उड़ीसा शामिल था, फिर उसके बाद में पश्चिमी बंगाल शामिल था, फिर उसके बाद में तमिलनाडु शामिल था। ध्यान दीजिए, ये मैंने 7 लिखे हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु। 2 राज्य थे, एक राज्य तो यहाँ पे था जहाँ से हम जुड़े हुए हैं। इस राज्य को नाम दिया गया था पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन स्टेट, पेप्सू, जहाँ से हम संबंध रखते हैं। और एक राज्य यहां पे था जिस राज्य को नाम दिया गया था बंबई। बंबई एक प्रांत हुआ करता था, जिस बंबई प्रांत से 2 राज्य बने थे, एक महाराष्ट्र बना और एक गुजरात बना। शुरुआत में 1950 की यह स्थिति थी। फिर कहते हैं कि फजल अली आयोग द्वारा भारत का एक राज्य बना था 1 अक्टूबर 1953 को। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को, जो भारत का पहला राज्य है भाषा के आधार पर बनने वाला, जिस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। फिर मैंने बताया ये 7वें संविधान संशोधन के जब तहत ये रिपोर्ट डाली गई या शामिल की, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को नेक्स्ट 4 राज्य शामिल हुए। 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य शामिल हुए? 4 राज्य शामिल हुए। एक मिनट भाई, 1 नवंबर 1956 को 4 राज्य शामिल हुए। अब वो 4 राज्य कौन से थे? राजस्थान शामिल था, मध्य प्रदेश शामिल था, कर्नाटक शामिल था और केरल शामिल था, ये 4 राज्य थे। फिर उसके बाद में बंबई प्रांत से 2 राज्य बने। बंबई प्रांत से 2 राज्य बने थे, वो कौन से थे? 1 मई 1960 को, मैंने बताया बंबई प्रांत से 2 राज्य बने थे, एक राज्य बना था महाराष्ट्र और एक राज्य बना था गुजरात। फिर एक राज्य बना था पूर्वोत्तर भारत में,
नागालैंड नाम का राज्य था। नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963 को। कौन सा राज्य बना था? नागालैंड। ये भी आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद में पेप्सू, ये पेप्सू है 1947 से लेकर 1951 तक पेप्सू था, और 1951 से लेकर 1966 तक ये पंजाब था। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार ने पेप्सू का नाम बदलकर पंजाब कर दिया था। यानी इस पंजाब से फिर 1 नवंबर 1966 को दो राज्य बने थे एक साथ में। एक राज्य था पंजाब और एक राज्य था हरियाणा। ये दो राज्य बने थे। कौन कौन से राज्य बने थे? पंजाब और हरियाणा। फिर इसी भाग में एक और राज्य ने जन्म लिया था। आप याद कीजिए, डेट थी वो कितनी? 25 जनवरी 1971 को। उस राज्य का नाम था हिमाचल प्रदेश। क्या नाम था भाई? हिमाचल प्रदेश। फिर पूर्वोत्तर भारत में, तीन राज्य और आए थे 21 जनवरी 1972 को। वो तीन राज्य कौन से थे? मेघालय था, मणिपुर था और त्रिपुरा था। फिर आप याद कीजिए, 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को एक इंदिरा गांधी जी ने एक भूभाग को भारत में मिलाया था, और जो भारत का 22वां राज्य बना था, जिस राज्य का नाम है सिक्किम। क्या नाम है भाई? सिक्किम। याद रखेंगे सिक्किम, ठीक है? सिक्किम, एक मिनट, सिक्किम, ये जरूर याद रखेंगे आप। फिर उसके बाद में पूर्वोत्तर भारत में फिर से दो राज्य बने। पूर्वोत्तर भारत में दो राज्य और बने। नेक्स्ट, 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को दो राज्य बने। उसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल था और मिजोरम शामिल था। मैंने बताया यहां पे ध्यान दीजिए, अरुणाचल प्रदेश शामिल था और मिजोरम। यहां पे मैंने ये दो एम लिखे हैं, एक मेघालय है, एक मणिपुर है, और यहां पे मैं एम लिख रहा हूं, वो कौन सा लिख रहा हूं? मिजोरम। फिर उसके बाद में आप याद कीजिए, नेक्स्ट, 1 नवंबर 2000 को एक राज्य बना, 9 नवंबर 2000 को एक राज्य बना, और 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट, कितना नवंबर याद रखेंगे? 15 नवंबर 2000 को एक राज्य बना, ठीक? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीन राज्य बने थे। फिर आप याद कीजिए, नेक्स्ट, अभी लेटेस्ट, 2 जून, 2 जून 2014 को एक राज्य और बना अभी अभी, जिस राज्य का नाम है तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना, ठीक है? अब वापस उस क्वेश्चन पे आते हैं हम। मैंने बताया भाई, अपने इस पेपर में ये पूछा गया था कि हरियाणा ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो हमने देख लिया कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 53, ठीक है? अब मैंने बताया एचएसएससी में एक और क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? कि 1 नवंबर को भारत के कितने राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है? अब ये सारी डेट मैंने आपके सामने लिख दी। अब आप काउंटिंग करोगे तो आप कहोगे जी छत्तीसगढ़ भी 1 नवंबर को मनाता है, हरियाणा पंजाब भी 1 नवंबर को मनाते हैं, यानी 2 और 1 3 हो गए। और फिर आप कहोगे जी चार राज्य ये रहे। नेक्स्ट, कौन कौन से चार राज्य? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल, यानी 4 और 3 7 हो गए, ठीक है? मगर नहीं, राजस्थान जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है 30 मार्च को। कब मनाता है? 30 मार्च को, ये जरूर याद रखेंगे। तो आप कहोगे जी 3 और 3 6 हो गए। नहीं, जो आंध्र प्रदेश जो बना था ना 1 अक्टूबर 1953 को, इसे भी राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के तहत शामिल किया गया था, है 7 ही, मगर राजस्थान के बजाय वो 7वां नंबर आप कौन सा लिखेंगे? आंध्र प्रदेश। हाँ, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर जरूर 1 अक्टूबर 1953 को बना है,
मगर सातवें संविधान संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया था। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, आंध्र प्रदेश भी अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 नवंबर को। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा यहां से बन गया। कौन सा दूसरा क्वेश्चन बन गया कि 1 नवंबर को भारत के कितने राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? कितने राज्य? 7। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैंने एक और लिख दिया आपको। 7 कौन से हैं? मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में कर्नाटक, फिर उसके बाद में केरल, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद में पंजाब, फिर उसके बाद में हरियाणा, और फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़। तो ये जरूर याद रखेंगे, 7 राज्य भारत के वो हैं जो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। हरियाणा ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 53वां स्थापना दिवस मनाया था। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हमारे बनते हैं। अब आप कहोगे जी इतना कुछ लिखा, कोई एक और क्वेश्चन? तो आप याद कीजिए, जिन बच्चों ने संस्कृत का स्क्रीनिंग का पेपर दिया था HSSC में, जिन बच्चों ने संस्कृत का स्क्रीनिंग का पेपर दिया था, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था कि त्रिपुरा भारत का राज्य कब बना है? यह क्वेश्चन आया हुआ था, देख लेंगे आप पेपर में। हरियाणा वाला तो बहुत बार आ गया, हरियाणा कब बना 1 नवंबर 1966 को, यह तो बहुत बार आ गया, मगर त्रिपुरा वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। फिर एक और क्वेश्चन बताऊं मैं HSSC में जो आया हुआ। नेक्स्ट, HSSC में एक और भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का 25वां राज्य कौन सा बना। तो 25वें राज्य का नाम मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप जरूर याद रखेंगे, भारत का 25वां राज्य बना था 30 मई 1987 को, और 25वें राज्य का नाम था नेक्स्ट गोवा। ये क्वेश्चन भी हमारी HSSC में आया हुआ है। हाँ, ये जरूर, ये दोनों क्वेश्चन भारतीय जीके के क्वेश्चन है, तो ये जरूर याद रखेंगे। ये सारा वर्णन आपको कंठस्थ करना है, यहां से क्वेश्चन बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो, विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा की बात करें तो 2 पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान, यानी आप याद कीजिए 1983 की बातें, और 1983 में हमारे हरियाणा में एक बहुत बड़े खिलाड़ी ने जन्म लिया, सुशील कुमार अब तक के भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में 2 बार पदक जीते हैं। 2008 बीजिंग ओलंपिक कांस्य पदक, और 2012 लंदन ओलंपिक नेक्स्ट रजत पदक। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो अपना हो गया सुशील कुमार। मैंने बताया कि 1983 में इन्होंने जन्म लिया। सुशील झज्जर से संबंध रखते हैं, अपने HSSC की बुकें बताती हैं कि ये झज्जर जिले से संबंध रखते हैं और बहुत बड़े पहलवान हैं। ठीक है, चलो ओलंपिक की बात कर रहा था मैं, थोड़े से 2-3 क्वेश्चन और बने हैं ओलंपिक के, वो भी हम देख लेते हैं। 1896 से लेकर अगर मैं 2016 की बात करूं तो थोड़ी सी एक मेडल तालिका बना लेते हैं अपने भारत की, जहां से अपनी HSSC में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। ठीक, अब तक ओलंपिक इतिहास में हमने लगभग 26 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं भाई? 26। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी, हॉकी की अगर मैं बात करूं तो हॉकी में नेक्स्ट अब तक अगर मैं देखूं तो आप याद कीजिए, अब तक हमने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल जीता है और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी कुल मिला के हमने हॉकी में अब तक कितने मेडल जीते हैं? नेक्स्ट 11 मेडल जीते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है HSSC में, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में बना हुआ है। हॉकी की अगर मैं बात करूं तो एक और क्वेश्चन भी अपनी HSSC में आया था, याद कीजिए कि हॉकी में हमने पहली बार मेडल कब जीता, और वो भी गोल्ड मेडल। हॉकी में दोस्तों हमने शुरुआत की थी, वो गोल्ड मेडल के साथ शुरुआत की थी। जब हॉकी में हमारे मेडल भी बंद हुए तो वो भी गोल्ड मेडल के साथ ही बंद हुए थे। हमने हॉकी में सबसे पहले 1928 में गोल्ड मेडल ही जीता था, उससे पहले हॉकी में अपना कोई मेडल नहीं था, ओलंपिक खेलों में भी कोई मेडल नहीं था। और आप याद कीजिए 1980 में रूस में हुआ था ओलंपिक, उसमें भी हमारा गोल्ड मेडल था। ये जरूर याद रखेंगे, एक बार HSSC में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है कि 1928 में जब हमने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता, उस समय भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है HSSC में, तो आप जरूर याद रखेंगे, जयपाल सिंह मूंड।
जयपाल सिंह, ये नाम जरूर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है एचएसएससी में कि 1928 में जब भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता तो नेक्स्ट भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? जयपाल सिंह, ये नाम जरूर याद रखें। चलिए, तो हॉकी में कितने मेडल अपने ओलंपिक खेलों में? 11, फिर बाकी रह गए अपने 15 मेडल और। ठीक है, मैंने बताया अब तक ओलंपिक में 26 ही मेडल है, 15 और रह गए। अब 15 और की मैं थोड़ी सी स्थिति बनाता हूँ, आप ध्यान दीजिए। 1952 में हमने कांस्य पदक जीता, और कांस्य पदक यानी ब्रोंज मेडल जीता, वो ब्रोंज मेडल किसने जीता? अब याद कीजिए, के डी जादव ने कुश्ती में। फिर 1996 में, 1996 में नेक्स्ट हमने एक और कांस्य पदक जीता, वो कांस्य पदक नेक्स्ट लियंडर पेस ने जीता टेनिस में। फिर 2000 में सिडनी ओलंपिक की बात करें तो फिर हमने ब्रोंज मेडल यानी कांस्य पदक जीता, ब्रोंज मेडल जीता, वो ब्रोंज मेडल जीता किसने? अपने यमुनानगर की कर्णम मल्लेश्वरी ने। फिर 2004 में, 2004 में फिर हमने सिल्वर मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, और डबल ट्रैक शूटिंग में वो सिल्वर मेडल जीता किसने? मेजर राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ ने। फिर 2008 बीजिंग ओलंपिक की शुरुआत हुई, और बीजिंग ओलंपिक की शुरुआत हुई तो हमने बीजिंग ओलंपिक में 3 मेडल जीते। आप याद कीजिए, उसमें एकमात्र अब तक के खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडलिस्ट, अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडलिस्ट, और दो अपने हरियाणा के खिलाड़ी थे, एक का नाम था विजेंद्र सिंह बेनीवाल बॉक्सिंग और एक का नाम था सुशील कुमार रेसलिंग। इन दोनों खिलाड़ियों ने नेक्स्ट ब्रॉन्ज मेडल यानी बीजिंग ओलंपिक में हमारे हरियाणा में कितने मेडल आए थे? 2। भारत में कितने मेडल आए थे? 3। तो ये जरूर याद रखेंगे आप। फिर चलिए 2012, 2012 लंदन ओलंपिक की बात करें तो लंदन ओलंपिक में भी भारत ने कितने मेडल जीते? 6 मेडल जीते। यहां से बहुत बार अपनी एचएसएससी में क्वेश्चन बने हैं, तो 6 मेडल जीते। वो 6 किस तरह से देख लीजिए, सिल्वर मेडल की बात करूं तो सिल्वर मेडल थे अपने कितने? 2। और ब्रॉन्ज मेडल की बात करूं तो ब्रॉन्ज मेडल अपने कितने थे? 4। ये एचएसएससी में काफी बार ये क्वेश्चन आए हैं भाई, ये जरूर याद रखेंगे आप। सिल्वर मेडलिस्ट एक तो आपके सामने ही है सुशील कुमार, और एक थे विजय, शूटिंग में जीता था विजय ने। मैंने बताया कि नेक्स्ट लंदन ओलंपिक में जो हमारे पास मेडलों की संख्या थी वो थी 6, जिसमें से सिल्वर मेडल कितने थे? 2। ब्रॉन्ज मेडल कितने थे? 4। फिर मैंने सिल्वर मेडलिस्ट बताया, एक तो सुशील कुमार है और दूसरा है विजय, विजय शूटिंग से, मगर बाकी जो 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं वो देखिए ध्यान से। नंबर 1 मैरी कॉम, बॉक्सिंग में जीता उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। नंबर 2 अपने हिसार की सायना नेहवाल। नंबर 3 अपने समाहल खां पानीपत के गगन नारंग शूटिंग में। और नंबर 4 नेक्स्ट आप याद कीजिए, सोनीपत के योगेश्वर दत्त। यानी 2012 में भारत ने जो मेडल जीते वो कितने जीते? 6। और हरियाणा के झोले में कितने मेडल आए? तो हरियाणा के 4 मेडल आए। 4 कौन कौन से? सुशील ने जीता सिल्वर, फिर उसके बाद में साइना नेहवाल ने जीता बैडमिंटन में, नेक्स्ट उसके बाद में फिर आप याद कीजिए गगन नारंग ने जीता नेक्स्ट शूटिंग में, और फिर योगेश्वर दत्त ने जीता नेक्स्ट किस में? कुश्ती में। फिर नेक्स्ट लास्ट ओलंपिक जो हुआ वो हुआ 2016, और 2016 में जो ओलंपिक हुआ था वो कौन सा ओलंपिक था? एक बार एचएसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर कौन सा था उस ओलंपिक का? तो 31वां ओलंपिक था वो। कौन सा ओलंपिक था? 31वां। और ये ओलंपिक हुआ कहाँ पे था? तो हम सभी को पता है कौन से शहर में हुआ था? रियो में। भारत ने जो मेडल जीते तो भारत ने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। सिल्वर मेडल जीता वो किसने जीता? पीवी सिंधु ने। किसने जीता? पीवी सिंधु ने। और जो ब्रॉन्ज मेडल जीता वो किसने जीता? साक्षी मलिक ने। ये जरूर याद रखेंगे, ये काफी बार अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से ये सारे मेडल हैं अपने ओलंपिक खेलों के, यहां से बहुत बार क्वेश्चन बने अपने एचएसएससी में, ये सारे क्वेश्चन आप याद रखेंगे। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट 2 पदक जीतने वाला खिलाड़ी तो हमें पता है सुशील कुमार ही हैं, बीजिंग ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, और नेक्स्ट आप याद कीजिए लंदन ओलंपिक सिल्वर मेडल। ये सारे क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, यहां से एचएसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग कर रही है कोई नदी, तो उस नदी की बात कर रहे हैं। एक चित्र बना रहा हूँ मैं, इस तरह से काल्पनिक चित्र है ये। मान लीजिए अपने हरियाणा का चित्र मैंने बना दिया, ये जरूर याद रखेंगे, ये हरियाणा का चित्र हमने बना दिया, ठीक है। यह हो गया अपना हरियाणा का चित्र माना कि। अब हरियाणा की कौन सी दिशा पूर्वी, ठीक, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ठीक है। ध्यान दीजिए, हरियाणा की पूर्वी दिशा, हरियाणा की पूर्वी दिशा पर एक नदी बह रही है, ठीक है। नेक्स्ट, जो यमुनोत्री पश्चिमी ढाल से जन्म लेती है, बंदरपुंज की पहाड़ियों से जन्म लेती है, और प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद बोलते थे, पहले प्रयाग बोलते थे, फिर इसका नाम चेंज हुआ इलाहाबाद, और अभी मोदी सरकार ने इसका नाम रख दिया प्रयागराज नामक स्थान पर, कौन सी नदी में समा जाती है, गंगा में, ठीक है। तो अब पूर्वी दिशा पर नेक्स्ट, और किन दो राज्यों को, नेक्स्ट ये बात कर रहा है उत्तर प्रदेश। तो पूर्व की तरफ हमारे हरियाणा में कौन सा राज्य आता है, हरियाणा को कौन सा राज्य छूता है पूर्व की तरफ, उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग कौन सी नदी करती है, कौन सी नदी करती है, यमुना नदी। इसका आंसर हो गया, कौन सा आंसर हो गया, बी, क्लियर। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो जाए और बात कर ले घगर नदी की, तो ये हो रही है हमारी घगर नदी। अब घगर नदी की बात करें तो घगर नदी किससे अलग करेगी हरियाणा को, पंजाब से। अब याद कीजिए, इन्हीं के बीच में तो हरियाणा है, कौन सी नदियों के बीच में, यमुना और घगर के बीच में ही तो हरियाणा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर, क्योंकि गंगा, देखो गंगा तो अलग है, गंगा तो हमारे हरियाणा में है ही नहीं, चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो एक शहर हो गया, वो बात कर रहा है नेक्स्ट, चंडीगढ़ ऊपर है, ठीक है, वो बात कर रहा है किसकी, नेक्स्ट वो बात कर रहा है एक नदी की, तो नदी कौन सी है, यमुना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, SI के पेपर में आया था। थोड़े से क्वेश्चन हम यमुना के बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, यमुना नदी की अगर मैं बात करूं तो यमुना नदी हरियाणा में ताजेवाला नामक स्थान पर प्रवेश करती है, कौन से स्थान पे, ताजे वाला। अब ये जो ताजे वाला है ये कहां पे है सर, ये है यमुनानगर में। और यमुना नदी सर कहां से निकल जाती है, तो एक जगह है हमारे हरियाणा में हसनपुर, और हसनपुर कहां पे है सर, तो हसनपुर है शायद पलवल में, कहां पे है, पलवल में, तो ये जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट, पलवल में। अब यमुना से संबंधित बहुत क्वेश्चन बने अपने एग्जाम में, यमुना, अगर मैं यमुना की बात करूं तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 1300 से ज्यादा किलोमीटर है, मगर अपने हरियाणा में नंबर क्वेश्चन एक आता है, हरियाणा में यमुना की लंबाई कितनी है, तो 320 या 21 किलोमीटर लंबाई यमुना में हरियाणा, ये जरूर याद रखें, हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर। दूसरा बड़ा क्वेश्चन अपनी HSSC में जो आया है, वो यमुना हरियाणा के कितने जिलों को छूती है। अब ध्यान से देखिए, यमुना नदी यमुनानगर को छू रही है, हाँ जी छू रही है, फिर उसके बाद में दूसरा नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को छू रही है, ध्यान दीजिए नेक्स्ट, यमुनानगर ये रहा, फिर उसके बाद में आया कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र, करनाल, फिर उसके बाद में पानीपत, फिर उसके बाद में सोनीपत, फिर उसके बाद में फरीदाबाद, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका पलवल, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र नहीं आएगा, ये जरूर याद रखेंगे, यमुनानगर, फिर उसके बाद में आया करनाल, फिर उसके बाद में आया पानीपत, फिर उसके बाद में आया सोनीपत, ये जो चार जिले हो गए ये दिल्ली से ऊपर हो गए, और दो जिले हो गए दिल्ली से नीचे, कौन कौन से जिले, फरीदाबाद और पलवल। तो ये क्वेश्चन भी हमारी HSSC में आया हुआ है कि हरियाणा के कितने जिलों को यमुना नदी छूती है, तो आप कौन सा आंसर करेंगे, 6 जिलों को छूती है, कौन से है वो 6 जिले, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, क्योंकि मैंने बताया ताजे वाला से ये जन्म हरियाणा में प्रवेश करती है और हसनपुर से ये निकल जाती है। बहुत बड़ा क्वेश्चन जो HSSC में काफी बार आया है, ध्यान दीजिए, हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यमुना, ये जरूर याद रखेंगे, हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यमुना, ठीक है, लंबी और बड़ी,
ज्योग्राफी के दो शब्द है, ज्योग्राफी के टीचर हमें पढ़ाते हैं, हमने सुना है, ठीक है। लंबी नदी ज्योग्राफी ने उसे कहा है जो अपना जल दूर तक लेके जाती है, जैसे विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो हम बताते हैं कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है तो हम बताते हैं अमेजन, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। बड़ी उसे कहते हैं जिसकी बहुत सारी सहायक नदियां हो या जिसका जल ज्यादा काम आ जाए। एक मैं क्वेश्चन बनाऊं, एसएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन आ जाए कि गंगा जो हमारी राष्ट्रीय नदी है, हमारी सबसे पवित्र नदी है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अब क्वेश्चन एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, गंगा की अगर बात करें तो गंगा की सबसे लंबी कौन सी है, तो हम बताते हैं गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो हम बताते हैं घाघरा जो बिहार में बहती है। ये दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, एग्जामिनर ने पूछा है, एसएससी में आए हुए हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मगर हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यमुना। हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यमुना, ठीक है। और एक और क्यों सुनाया कि हरियाणा की बारहमासी नदी कौन सी है, वो क्या कह रहा है कि बारहमासी यानी 12 के 12 महीने बहने वाली नदी कौन सी है, तो भी वो यमुना ही है, ये जरूर याद रखेंगे आप, क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, पूर्वी दिशा पर बहती है, कौन से राज्य से अपनी सीमा का निर्धारण कर रही है, उत्तर प्रदेश राज्य से अपनी सीमा का निर्धारण कर रही है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा में, ठीक है। वनों की अगर बात करें, ध्यान दीजिए, वनों की अगर बात करें तो हरियाणा भारत में वनों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। और इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बार एचएसएससी में आते हैं, ठीक है। हरियाणा की, ये पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं, इस क्वेश्चन का आंसर तो फतेहाबाद है, आप सभी को पता ही है। फिर इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो ध्यान दीजिए, हरियाणा में वनों को दो श्रेणियों में रखा गया है, ठीक है। एक वनाच्छादन क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, वनाच्छादन, और एक है वृक्षाच्छादन क्षेत्र, ये जरूर याद रखेंगे, वृक्षाच्छादन। यानी वनाच्छादन क्षेत्र है वो 1586 वर्ग किलोमीटर है, जबकि वृक्षाच्छादन कितना है, 1282 वर्ग किलोमीटर है। यानी वनाच्छादन की मैं बात करूं तो 3.59%, ये जरूर याद रखेंगे आप, 3.59%, जबकि वृक्षाच्छादन की अगर मैं बात करूं तो वृक्षाच्छादन है अपना 2.90%। अब ध्यान दीजिए, एचएसएससी में जब क्वेश्चन आते हैं, देखो हमारे आपने टीचरों से पढ़ा है, वो इस तरह से बता देते हैं कि हरियाणा में 2868 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे वन है, और नेक्स्ट कितना, 6.49%। मगर फिर जो हमारा एग्जाम है, जो हमारा एचएसएससी का एग्जाम है, उसकी बात करेंगे, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कौन से आंकड़े मान रहा है, ठीक है। दोस्तों ये वाला जो आंकड़ा है ये काफी पेपरों में आया हुआ है, वनाच्छादन की ही बातें करता है एचएसएससी, जबकि वृक्षाच्छादन की बातें नहीं करता है, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। देखो हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंतर मिलेगा, जैसे मैंने 1586 लिखा, मेरे कुछ दोस्त हैं या फिर हरियाणा जीके की कुछ बुकें हैं, वो 1608 भी बता रही है, 1600 आपका 3 भी बता रही है, ये अलग अलग थोड़े से आंकड़े हैं, मगर परसेंटेज है ना, ये 3.59% वन है हरियाणा में, और ये क्वेश्चन हमारी एचएसएससी में आ भी चुका है, तो परसेंटेज ये जरूर याद रखेंगे आप। मैंने बताया हरियाणा में वनों को दो भागों में विभाजित किया है, वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन, ठीक है। अब ये तो आपको याद हो गए, मैंने बताया पूरे भारत में पिछड़ा हुआ राज्य है वनों की दृष्टि से हरियाणा। फिर उसके बाद में चलिए, हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा के अगर मैं 22 जिलों की बात करूं, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा वन, ठीक है, आप याद कीजिए, पंचकूला।
वनों की दृष्टि से हमारे हरियाणा में सर्वसंपन्न या सबसे ज़्यादा वन अगर किसी जिले में है उस जिले का नाम है पंचकुला। 31.55%, यानी पंचकुला में सबसे ज़्यादा वन है 31.55%, ठीक है। और सबसे कम वन है वो फतेहाबाद में है, 0.71%। ये जरूर याद रखेंगे और यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है कि वन सबसे कम मात्रा में, ठीक है। एक और क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ये परसेंटेज बेस पे हो गया, मगर थोड़ा सा क्वेश्चन अगर मैं इसके साथ जाऊँ तो देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, ये परसेंटेज बेस की बात नहीं कर रहा, ये क्षेत्रफल की बातें कर रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमारे हरियाणा जीके की बुकें बताती है कि पंचकुला में 395 से लेकर 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे वन है। पंचकुला में 395 से लेकर 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे वन है, जबकि चाहे आपका परसेंटेज बेस आ जाए चाहे क्षेत्रफल आ जाए, दोनों ही दृष्टियों में अपने हरियाणा में वनों की दृष्टि से सर्वसंपन्न जिला कौन सा है? पंचकुला ही है। मगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कम वनों की बातें करें तो आप याद कीजिए, पानीपत की अगर हम बात करें तो पानीपत में 16 से लेकर 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे वन है केवल। देखो दोस्तों, अगर इसमें ऑप्शन पानीपत होता, इसमें अब देखो ये बताना क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हकीकत में मैं बताऊं फतेहाबाद भी होता और पानीपत भी होता, तो इस परिस्थिति में आपको कौन सा आंसर देना था? ठीक है, पानीपत है ही नहीं, फिर हमारे पास ऑप्शन ही कौन सा बच गया? फतेहाबाद बच गया, और HSSC ने भी फतेहाबाद ही सही किया था। बड़ा अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वन मैंने बता दिया आपको, पूरे भारत में हरियाणा वनों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। हरियाणा में वनों को दो भागों में विभाजित कर रखा है, एक वनाच्छादन भूमि एक वृक्षाच्छादन। वनाच्छादन भूमि कितनी है? 1586 वर्ग किलोमीटर, कितना परसेंट है? 3.59%। HSSC में क्वेश्चन आ भी चुका है। वृक्षाच्छादन भूमि, वृक्षों के लिए रिजर्व, वृक्षाच्छादन भूमि 1282, 2.90। इन दोनों को अगर जोड़ दें, अब तक किसी भी पेपर में इनका जोड़ आया नहीं है, मेरे सामने तो नहीं है, आप तो देख लेंगे, सारा कुल मिला के 2868 वर्ग किलोमीटर कितना परसेंट हो जाता है? 6.49%। ये वर्ग किलोमीटर है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर परसेंटेज बेस पे सबसे ज्यादा वन कहां पे है? पंचकुला में। और फिर नेक्स्ट, परसेंटेज बेस पे सबसे कम वन कहां पे है? अपनी पिंक सिटी फतेहाबाद में। फिर आप याद कीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहां पे है? एक बार फिर पंचकुला में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जो सबसे कम वन कहां पे है वो कहां पे है? पानीपत में। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, यहां से टॉपिक से बनते हैं सारे क्वेश्चन, HSSC में आए हुए हैं। चलिए फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। हाँ, मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र, ठीक है, आपने सुना ही है, आपको पता ही है, फीसेंट प्रजनन केंद्र, तीतर प्रजनन केंद्र, और इनकी बात करें तो HSSC में क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको थोड़े से और प्रजनन केंद्र अगर डिस्कस करें हम तो आप याद कीजिए, इस तरह से हमने एक काल्पनिक थोड़ा सा हरियाणा का चित्र बना दिया। और नेक्स्ट, हिसार बड़ा सर्वसंपन्न शहर है प्रजनन केंद्रों की बात करें तो, हिसार, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, हिसार की अगर बात करें तो हिसार में नंबर एक आप याद कीजिए असव प्रजनन केंद्र, नंबर दो भैंस प्रजनन केंद्र, नंबर तीन आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र, ये जरूर याद रखेंगे। ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं? हिसार में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय असव प्रजनन केंद्र, राष्ट्रीय भैंस प्रजनन केंद्र, आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र। सुअर प्रजनन केंद्रों की बात करें तो एक सुअर प्रजनन केंद्र हमें अंबाला में भी मिलता है, और फिर हिसार में एक और ही है। नेक्स्ट याद कीजिए, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। मैंने बताया प्रजनन केंद्रों की दृष्टि से अपने हरियाणा में जो सर्व संपन्न जो शहर है पूरे हरियाणा में वो हिसार है। हिसार में मैंने चार बता दिया आपको, राष्ट्रीय असव प्रजनन केंद्र, राष्ट्रीय भैंस प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र और आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र। फिर उसके बाद में आपने पढ़ा है, आपने पढ़ रखा है सभी ने, चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा में मोर प्रजनन केंद्र, ठीक, चिंकारा प्रजनन केंद्र आप सभी ने पढ़ रखा है, किरू भिवानी में चिंकारा में मोर प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में है। फिर HSSC की बात करें, HSSC में क्वेश्चन आया हुआ है कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र तो कहां पे? कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र
कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में एक और भी है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, काला तीतर प्रजनन केंद्र, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ठीक है। काला तीतर हरियाणा का राज्य पक्षी, ठीक है। अब काला तीतर की जन्मस्थली किस जिले को बोलते हैं? ध्यान दीजिए, काला तीतर की जन्मस्थली, एचएसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है ये, टैक्साइज विभाग का कोई पेपर हुआ था उसमें आया था, काला तीतर की जन्मस्थली। नेक्स्ट, किस जिले को बोलते हैं? सिरसा को। काला तीतर हरियाणा का राज्य पक्षी है। और काला तीतर प्रजनन केंद्र कहां पे है? तो कहां पे है काला तीतर प्रजनन केंद्र? नेक्स्ट, आप याद करेंगे आपका कुरुक्षेत्र में। फिर उसके बाद में पंचकुला की यात्रा करते हैं। तो पंचकुला की बात करें तो नंबर एक फीसेंट प्रजनन केंद्र, फीसेंट प्रजनन केंद्र यानी तीतर प्रजनन केंद्र, और गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ये जो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, ये बताते हैं कि पूरे एशिया का एकमात्र है, ये जो याद रखेंगे आप, ये भी अपने पंचकुला में है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। कुछ राइटर लिखते हैं एचएसएससी के, हरियाणा जीके के कुछ राइटरों ने, हमने पढ़ रखा है कि पूरे एशिया का एकमात्र बताते हैं, तो ये जरूर याद रखेंगे, ये दोनों ही पंचकुला में है। तो पंचकुला में कितने हो गए अपने? दो। कुरुक्षेत्र में कितने हो गए? दो। रेवाड़ी में कितना हो गया अपना? एक, ठीक है। नेक्स्ट, मोर वह चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी में कितना हो गया अपना? एक। फिर हिसार में कितने हो गए अपने? चार। और एक और क्वेश्चन बना, गाय प्रजनन केंद्र, ध्यान दीजिए ये भी एक नया क्वेश्चन है, गाय प्रजनन केंद्र। तो गाय प्रजनन केंद्र आप कहां पे बताएंगे? सिरसा। ये क्वेश्चन भी नया है, आप जरूर याद रखेंगे, गाय प्रजनन केंद्र भी सिरसा में बताते हैं। तो इस तरह से प्रजनन केंद्रों से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप चलिए आगे चलते हैं, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की सीमा कितने राज्यों से लगती है? दो राज्यों से, ठीक है। थोड़ा सा याद कीजिए, मैं एक बार फिर मानचित्र ले रहा हूँ हरियाणा का। नेक्स्ट, हरियाणा का मानचित्र लें और सीमा की जब बात करें तो हरियाणा की सीमा के बारे में एचएसएससी में एक विवाद सा उत्पन्न है, वो विवाद ये है, ठीक है। कई बार एचएसएससी बता देती है कि हरियाणा को कितने राज्य छूते हैं, फिर बता देती है पांच। हम जो टीचर हैं वो सारे परेशान हैं, पांच बताएं कि चार बताएं, ठीक है। मगर मैं कहूंगा, या हम सारे मोस्टली कौन सा नंबर बताते हैं? पांच नंबर बताते हैं। अब वो पांच नंबर कहाँ पे है वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पूर्वी दिशा में हम बात कर रहे थे, कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। फिर हम दक्षिण की तरफ बात कर रहे थे, कौन सा राज्य है? राजस्थान। फिर हम एक और राज्य की बात कर रहे थे, कौन सा है? नेक्स्ट आपका पंजाब। फिर उत्तर की तरफ चलें तो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। ये मुख्य चार राज्य तो आपके ये हो गए। फिर यहाँ पे कोने की बात करें तो इस कोने में कहते हैं कि उत्तराखंड भी छूता है, क्योंकि हरियाणा जीके की जो बुकें हैं, हमारे हरियाणा जीके की जो बुकें हैं, वो कहती है, क्या कहती है? नेक्स्ट, कि हरियाणा को सबसे ज्यादा राजस्थान छू रहा है 1262 किलोमीटर, जबकि हरियाणा को उत्तराखंड केवल 11 किलोमीटर छू रहा है। अगर उत्तराखंड छू रहा है हरियाणा को तो कितने राज्य हो गए? पांच। आप सभी ने, सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? किसके साथ बनाता है? राजस्थान के साथ। और हरियाणा सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ बनाता है? किस राज्य के साथ? उत्तराखंड के साथ बनाता है, 11 किलोमीटर, ये 1262। तो कितने राज्य हरियाणा को छूते हैं? पांच राज्य छूते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। एचएसएससी ने चार भी किया है, मैं ये नहीं कहता चार नहीं किया, किया है, मगर पांच राज्य। फिर चलिए थोड़े से जिलों की बात करें तो आज हरियाणा में जो है वो 22 जिलों का वर्णन मिलता है। को हरियाणा के कितने जिले छू रहे हैं? सात। पंजाब को हरियाणा के कितने जिले छू रहे हैं? सात। उत्तर प्रदेश को हरियाणा के कितने जिले छू रहे हैं? सात। उत्तराखंड को हरियाणा का कितना जिला छू रहा है? एक। और हिमाचल प्रदेश को हरियाणा के कितने जिले छू रहे हैं? तीन। अब ये नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आता है, ये पूरा आपको याद होना चाहिए।
ऊपर से चल रहा हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश को हमारे तीन ज़िले छूते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हो यमुनानगर लिख सकते हो, फिर आप अम्बाला लिख सकते हो और फिर पंचकूला। पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिए, पंजाब को हमारे साथ छू रहे हैं। यहाँ से चलो, सबसे पहले पंचकूला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, फिर उसके बाद में कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा, ये ज़रूर याद रखें। ये इधर वाले छू रहे हैं सारे के सारे। कौन कौन से आप देख लीजिए, पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, फिर उसके बाद में आपका कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। फिर राजस्थान की मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, राजस्थान को नंबर एक सबसे पहले सिरसा, फिर फतेहाबाद, फिर हिसार, फिर भिवानी, फिर महेंद्रगढ़, फिर रेवाड़ी और फिर मेवात, ये सात हो गए। ठीक है, नीचे से ये देखिए, नेक्स्ट नंबर एक सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, आपका रेवाड़ी और मेवात, ये ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश को कौन से सात छू रहे हैं, उत्तर प्रदेश को ये सात छू रहे हैं, सबसे पहले यमुनानगर, फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और मेवात, ये सात हैं। ठीक है, कौन से सात, ध्यान से देखिए, यमुनानगर, फिर करनाल, फिर पानीपत, सोनीपत, फिर यहाँ पे दिल्ली से नीचे सबसे पहले फरीदाबाद, पलवल और मेवात। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे, ठीक है, सॉरी, हाँ, उत्तराखंड, उत्तराखंड की अगर बात करूँ तो यमुनानगर। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए, यमुनानगर की अगर मैं बात करूँ तो यमुनानगर का नाम मैंने तीन जगह लिखा है। यमुनानगर का नाम मैंने कितनी जगह लिखा है ये ध्यान से देखिए, यमुनानगर इसको भी छू रहा है, उत्तराखंड को भी छू रहा है, और यमुनानगर किसे छू रहा है, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश को भी छू रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये तो हमसे बोल रहा है भाई दो राज्य, अब दो राज्यों की बात करें तो ध्यान से देखिए, पंचकूला, पंचकूला मैंने दो जगह लिखा है, ये देखिए पंचकूला, और अंबाला, अंबाला भी मैंने दो जगह लिखा है, ये देख लीजिए अंबाला, और ये हो गया आपका अंबाला। चलिए, सिरसा, सिरसा भी मैंने दो जगह लिखा है, ये रहा सिरसा, ये रहा सिरसा, फिर फतेहाबाद भी मैंने दो जगह लिखा है, ये रहा फतेहाबाद और ये रहा फतेहाबाद। फिर ध्यान से देखिए, मेवात भी मैंने एक जगह लिखा है, कौन सा जिला लिखा है, मेवात। क्लियर, तो ये हो गए अपने दो दो राज्यों को छूने वाले। ठीक है, कौन से हो गए दो राज्यों को छूने वाले, यहां से लगते हैं, मेवात है वो दो राज्यों को छूता है, फिर चलिए सिरसा है वो दो राज्यों को छूता है, फतेहाबाद है वो दो राज्यों को छूता है, फिर ऊपर चलिए अंबाला है वो भी दो राज्यों को छूता है, और पंचकूला है वो भी दो राज्यों को छूता है। कोई और जिला है क्या, ध्यान से देखो, और जिला तो शायद नहीं है कोई भी। ठीक है, इस कोने में मेवात हो गया जो दो राज्यों को छू रहा है, फिर इस कोने में नेक्स्ट अपना सिरसा और फतेहाबाद हो गया, इस कोने में नेक्स्ट अपना कौन सा हो गया, पंचकूला और अंबाला हो गया, इस कोने में तीन राज्यों को। अब ये हमारे हरियाणा के वो जिले हैं जो दो दो राज्यों को छूते हैं, कौन कौन से दो ये जिले हैं, नंबर एक मेवात, सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला और पंचकूला, ऑप्शन में है भाई, नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में दो राज्यों को छूने वाला तो कोई नहीं है। हाँ, अगर ये ऑप्शन उठाएं, ये ऑप्शन उठाएं चार राज्यों वाला, तो यमुनानगर हो जाएगा जी। वैसे आपको देख लो, मैंने अलग अलग बता दिया, यमुनानगर तीन को छू रहा है, मगर देखो दो राज्यों को छूने वाले तो ये जिले हैं, ये कोई ऑप्शन में नहीं है। तो और महेंद्रगढ़ की मैं बात करूं तो आप देखो, महेंद्रगढ़ तो अकेला राजस्थान को छू रहा है, महेंद्रगढ़ तो एक ही राज्य को छू रहा है, कौन से को, राजस्थान। रेवाड़ी की मैं बात करूं तो रेवाड़ी भी एक ही राज्य को छू रहा है, कौन से राज्य को छू रहा है, नेक्स्ट राजस्थान को। चरखी दादरी की मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, चरखी दादरी अभी हाल ही में बना है, 1 दिसंबर 2016 को, कब बना है चरखी दादरी, 1 दिसंबर 2016 को बना है। ठीक है, नेक्स्ट, और चरखी दादरी हमारे हरियाणा के रोहतक के बाद वो दूसरा जिला है, चरखी दादरी हमारे हरियाणा का रोहतक के बाद वो दूसरा जिला है जो किसी भी राज्य को नहीं छूता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं भी दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। ये मैंने आपको सीमाओं का वर्णन करवाया है, सारा वर्णन करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा कितने राज्यों को छूता है, पांच, पांच कौन से हैं वो याद कीजिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हरियाणा सबसे ज्यादा किसे छू रहा है, ध्यान से देखिए, राजस्थान को।
1262 किलोमीटर। हरियाणा सबसे कम किसे छू रहा है? उत्तराखंड को 11 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने हरियाणा के 22 जिले उठाए। नेक्स्ट, हरियाणा के कितने जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं? सात। कौन कौन से? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, मेवात। फिर हमारे हरियाणा के कितने जिले राजस्थान को छूते हैं? सात। वो भी सात ही हैं। कौन कौन से? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। फिर उसके बाद में चलिए नेक्स्ट, हमारे हरियाणा के कितने जिले वो हैं जो पंजाब को छूते हैं? वो भी सात है। कौन कौन से? पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। फिर हमारे हरियाणा के कितने जिले वो हैं जो हिमाचल प्रदेश को छूते हैं? केवल तीन ही है। कौन कौन से? यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला। और हमारे हरियाणा के कितने जिले छूते हैं? एक यमुनानगर है। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो यमुनानगर हरियाणा का वो जिला है जो कितने राज्यों को छूता है? तीन राज्यों को छूता है। मगर इस क्वेश्चन के अनुसार देखें तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? यमुनानगर ही हो जाएगा। ये जरूर याद रखेंगे आप। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? ये पूछ रहे हमसे कि हरियाणा का भौगोलिक लक्षण, ठीक है, शिवालिका की पहाड़ियाँ, बांगर क्षेत्र और यमुना घगर का मैदानी क्षेत्र और चंबल की घाटी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हमें पता चल गया। अब ये कह रहा है नहीं है। चंबल की घाटी की अगर बात करें तो कोई डाउट ही नहीं है। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में है कि नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अपना डी हो जाएगा। मगर थोड़ा सा इनका वर्णन करते हैं। शिवालिका की पहाड़ियाँ, बांगर भूभाग और यमुना गंगा का मैदानी क्षेत्र, ये तीनों ही लक्षण हरियाणा में हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है, मगर देख लीजिए इस तरह से अगर हम मान लीजिए हरियाणा का मानचित्र बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हरियाणा, हरियाणा के उत्तर में हमें शिवालिका की पहाड़ियाँ मिलती है कि नहीं है? हरियाणा के दक्षिण में हमें अरावली की पहाड़ियाँ भी मिलती हैं, अरावली की पहाड़ियाँ भी मिलती हैं। और ये हरियाणा और ये हरियाणा में घग्गर नदी हो गई, यानी घग्गर और नेक्स्ट यमुना का मैदानी क्षेत्र भी हरियाणा में है। कौन कौन सा? घग्गर और यमुना का मैदानी क्षेत्र भी, और बांगर भूभाग भी हरियाणा में हमें दिखाई देता है। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो शिवालिका की पहाड़ियाँ उत्तर में हो गई है ये तो, ठीक। फिर उसके बाद में बांगर भूभाग भी है, नेक्स्ट उसके बाद में गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र भी है, और चंबल की घाटी की बात करें तो चंबल की घाटी हमें मध्य प्रदेश में दिखाई देती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा में नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान बता रहा है और कि एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ये नेशनल पार्क से संबंधित बातें कर रहा है। किससे संबंधित? नेशनल पार्क। तो यहां से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे आप। नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफी बार आए हैं, ठीक है। इसका तो आंसर हो जाएगा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पर मैं एक बात करूं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं लेके आऊं तो हरियाणा में कितने नेशनल पार्क हैं? हरियाणा में कितने नेशनल पार्क हैं? दो। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है दो, और हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण है? आठ। ये जरूर याद रखेंगे आप। नेशनल पार्क दो है और राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण कितने हैं? आठ। एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क देखिए सुल्तानपुर, नेशनल पार्क दो है। नेक्स्ट सुल्तानपुर नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है गुड़गांव में, और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है अपना यमुनानगर में। ये जरूर याद रखेंगे आप। कितने नेशनल पार्क है? दो, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव में, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1989 में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1989 में, जो 142.52 हेक्टेयर भूमि पे फैला है।
ये जरूर याद रखेंगे आप। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1989 में, जो 142.52 हेक्टेयर भूमि पे फैला है। कितनी? 142.52 हेक्टेयर भूमि पे। चलिए उसके बाद में चलें कालेसर। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 2003 में। अब कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है, जो हमारी HSSC में शायद अब तक तो नहीं आया मगर आ सकता है, आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, जो 46.82 हेक्टेयर भूमि पे फैला है, 4,682 हेक्टेयर भूमि पे फैला है। अब ध्यान दीजिए, मैं बता रहा था एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा हमारे एग्जाम में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क हरियाणा में कौन सा है? कालेसर, और छोटा तो फिर सुल्तानपुर, क्योंकि दो ही नेशनल पार्क है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान 4,682 हेक्टेयर भूमि पर फैला है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 142 हेक्टेयर भूमि पर फैला है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव में है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 2003 में। अब ध्यान दीजिए, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसे हम जानते हैं साल वृक्ष के लिए। किसे जानते हैं भाई? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान को हम साल वृक्ष के लिए जानते हैं। ये क्वेश्चन हमारी HSSC में आया हुआ है कि साल वृक्ष के लिए कौन से नेशनल पार्क को जानते हैं, तो कालेसर को। ये जरूर याद रखेंगे। और जब मैं बात करूं सुल्तानपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई, गुड़गांव में हुई, मगर इसे हम जानते किस लिए? तो इसे हम जानते हैं पक्षियों के लिए। किस लिए जानते हैं? पक्षी। कहते हैं कि इसमें 242 हैं। कितने प्रकार के पक्षी मिलते हैं? 242। इसीलिए पक्षी विहार केंद्र लेक बर्ड सेंचुरी से नाम दिया जाता है। पक्षियों के लिए किसे जानते हैं? सुल्तानपुर को। साल वृक्ष के लिए किसे जानते हैं? कालेश्वर को। फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन बन जाए हमारे एग्जाम में, ध्यान दीजिए। सुल्तानपुर की भी मैं बात कर रहा हूं, अपनी HSSC में ये क्वेश्चन दो बार आ चुका है। क्वेश्चन आया था कि सलीम अली, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आया था कि सलीम अली भारत में किस लिए प्रसिद्ध है? पक्षी वैज्ञानिक। ये क्वेश्चन दो बार आ चुका है अपनी HSSC में, सलीम अली भारत में किस लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षी वैज्ञानिक है। ये जरूर याद रखेंगे आप। चलिए फिर वन्य जीव अभयारण्यों की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कितने हैं? 8 वन्य जीव अभयारण्य। कितने वन्य जीव अभयारण्य है? 8। नंबर 1 अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य सिरसा में। नंबर 2 छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में। नंबर 3 नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी में। नंबर 4 भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर में। खरपवास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर में, नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी में। फिर चलिए पंचकुला में 2 है, एक वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और एक खोल ही रहतान वन्य जीव अभयारण्य और कालेसर वन्य जीव अभयारण्य। अब ध्यान दीजिए, कालेसर के नाम से एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, और कालेसर के नाम से एक वन्य जीव अभयारण्य है। तो वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 8। अबूब शहर सिरसा में, फिर आगे चलिए नाहर रेवाड़ी में, फिर आगे चलिए नेक्स्ट भिंडावास झज्जर में, फिर खरपवास झज्जर में, फिर खोल ही रैतान वन्य जीव अभयारण्य कहां पे? अपना नेक्स्ट पंचकुला में। फिर उसके बाद में चलिए आपका वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य पंचकुला में, छिलछिला कुरुक्षेत्र में, और कालेसर वन्य जीव अभयारण्य कहां पे? यमुनानगर में। अब क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 11,530.56 हेक्टेयर पे, 11,530.56 हेक्टेयर पे हरियाणा में कौन सा है? तो अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य है, और अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है? सिरसा में। और आप याद कीजिए 28.92 हेक्टेयर पे सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य अपना छिलछिला, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है? तो छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य है कुरुक्षेत्र में। ये जरूर याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र में। यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, दो तीन क्वेश्चन बन गए अपने। क्वेश्चन नंबर 1
नेक्स्ट, कितने नेशनल पार्क है हरियाणा में? दो। कितने वन्य जीव अभयारण्य है हरियाणा में? आठ। नेक्स्ट, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? कालेसर। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? नेक्स्ट, सुल्तानपुर जो गुड़गांव में है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? अबूब शहर। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? छिलछिला। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हरियाणा का एक जिला जो 1 नवंबर 1989 को बना, चौधरी देवीलाल जी ने बनाए। एक छोटी सी मैं सीरीज बनाता हूं, थोड़ा देखिए ध्यान से। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा में जिलों की संख्या थी 7। फिर 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बने, कौन कौन से? भिवानी और सोनीपत। फिर 23 जनवरी 1973 को 1 जिला बना, कुरुक्षेत्र। फिर 1 सितंबर 1975 को 1 जिला बना, सिरसा। फिर 2 अगस्त 1979 नेक्स्ट 1 जिला बना, फरीदाबाद। और फिर 1 नवंबर 1989 को चौधरी देवीलाल जी ने नेक्स्ट जिले बनाए 4। कितने जिले बनाए जी? 4। उन्हीं जिलों से संबंधित ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, उसमें एक जिला जो था वो था पानीपत, उस समय पानीपत भी बना था। एक जिला जो था वो कौन सा था? यमुना नगर। एक जिला कौन सा था? एक जिला था अपना कैथल। और ये जरूर याद रखेंगे आप, 1 नवंबर 1989 को 4 जिले बने। कौन कौन से जिले बने? चौधरी देवीलाल जी ने बनाए थे पानीपत, यमुनानगर, कैथल और रेवाड़ी। कौन सा? रेवाड़ी। ये जरूर याद रखेंगे आप, क्लियर। अब आगे चलते हैं। ये कहता है कि करनाल जिले से निकला था, ये किससे अलग हुआ था पानीपत? करनाल से। और इसमें कहते कि हरियाणा का पानीपत वो जिला है जिसका, इसका आंसर पहले मैं बता देता हूं, पानीपत ही है। ठीक है, ये हरियाणा का वो जिला है जिसका पुनर्गठन हुआ है, क्योंकि 24 जुलाई को कहते हैं कि इसका कुछ भाग फिर वापस करनाल में मिला दिया गया, और चौधरी भजन लाल जी ने 1 जनवरी 1992 को इसका पुनर्गठन किया था। तो पानीपत की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, पानीपत से संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और यह क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट कहते हैं कि 1 नवंबर 1989 को चौधरी देवीलाल जी ने पानीपत जिले का गठन किया, मगर इसकी 2 तहसीलों को दोबारा फिर, पहले तो मिलाया गया था इसमें मगर फिर इससे निकाल ली गई। वो कौन सी तहसील थी? एक तहसील थी असंद, मेरे कुछ पढ़ने में आया इस तरह का, और एक तहसील थी सफीदो। अब ये जरूर याद रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। 1 नवंबर 1989 से लेकर 24 जुलाई 1991 तक ये दोनों तहसीलें रही थी पानीपत में, फिर असंद तहसील पानीपत से निकालकर वापस करनाल में शामिल कर दी गई, और सफेदो तहसील नेक्स्ट पानीपत से निकालकर वापस जींद में शामिल कर दी गई। इसीलिए तो एक वो क्वेश्चन बनता है कि 1966 से लेकर वर्तमान समय तक किस जिले में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? तो जींद हमारा जो था वो वैसा का वैसा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि 1966 में जब जींद का गठन हुआ था उस समय इसका क्षेत्रफल था 2712 वर्ग किलोमीटर और आज 2702 वर्ग किलोमीटर है। तो ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, तो कौन से जिले का पुनर्गठन किया गया अपने हरियाणा में नेक्स्ट पानीपत का, और वो किया है चौधरी भजन लाल जी ने, कब किया है? 1 जनवरी 1992 को। ये जरूर याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ये एसआई के पेपर में आया था। ठीक है, मैंने बता दिया कि 1989 में 4 जिले बनाए, सबसे पहले 7 जिले थे, फिर उसके बाद में जिले बने, 2 बने, भिवानी और सोनीपत, फिर एक जिला बना कुरुक्षेत्र, फिर एक जिला बना सिरसा, फिर एक जिला बना फरीदाबाद। ठीक है, और फिर उसके बाद में चौधरी देवीलाल जी ने 4 जिले बनाए, पानीपत, यमुनानगर, कैथल, रेवाड़ी। जो पानीपत जिला था उसकी पानीपत जिला था, कहते हैं कि उसमें असंद और सफीदो तहसील शामिल की गई थी, मगर
नेक्स्ट, कुछ समय बाद असंध तहसील वापिस करनाल में चली गई और सफेदो तहसील वापिस जींद में चली गई, इसीलिए 1 जनवरी 1992 को नेक्स्ट पानीपत का पुनर्गठन हुआ था और ये कार्य किया था चौधरी भजन लाल जी ने। ये जरूर याद रखेंगे, आसान क्वेश्चन है, आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? पानीपत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 18वें एशियाई खेल। एशियाई खेलों की अगर मैं बात करूं तो आप याद कीजिए एशिया महाद्वीप के देश भाग लेते हैं, ठीक है, जिन खेलों में लगभग देशों की संख्या रहती है 45 या 46, ये जरूर याद रखेंगे। एशियाई खेलों की शुरुआत जो हुई थी वो 1951 में हुई थी। एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी 1951 में और वो भी कहां से शुरुआत हुई थी? नेक्स्ट, दिल्ली से। ये बता रहा है कि 18वें एशियाई खेल 2018 में हुए। कब हुए? 2018 में, और कहां पे हुए? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, 18वें एशियाई खेल कहां पे हुए? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इन खेलों का आयोजन हुआ। कहां पे हुआ? जकार्ता में। और 19वें एशियाई खेल 2022 में होंगे। नेक्स्ट, ये जरूर याद रखेंगे, चीन का एक शहर है, शहर का नाम है हेंगझाऊ, कुछ इस तरह का नाम पढ़ने को हमें मिलता है। ये चीन का एक शहर है हेंगझाऊ, तो ये जरूर याद रखेंगे आप। कब होंगे? 2022 में, ठीक है। एक बार फिर वापस करते हैं कि 18वें एशियाई खेलों में हरियाणा ने 18 पदक जीते। कितने पदक जीते हरियाणा ने? 18। तो इन 18 की अगर मैं सीरीज बनाऊं तो नंबर 1 गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज, ठीक है। गोल्ड मेडल कितने? 5। सिल्वर मेडल कितने? 5। और ब्रोंज मेडल कितने? 8। ये जरूर याद रखेंगे आप। तो कुल मिला के हमने कितने मेडल जीते? 18 मेडल जीते, ठीक है, 18वें एशियाई खेलों में। नेक्स्ट, हरियाणा ने 18 पदक जीते, भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान पे रहे, ठीक है, क्योंकि आप याद कीजिए 15 + 24 + 30, यानी कुल मिला के भारत ने जो पदक जीते थे वो कितने पदक जीते थे? 69। और भारत किस पोजीशन पे रहा था एशियाई खेलों में? 8वें। मगर हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा भारत में किस पोजीशन पे रहा था? पहली पोजीशन, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, एशियाई खेलों में भारत ने कितने? 69 पदक जीते, उसमें गोल्ड मेडल कितने थे? 15। हरियाणा के पास कितने गोल्ड मेडल? 5। सिल्वर मेडल कितने थे? 24। हरियाणा के पास कितने सिल्वर मेडल? 5। ब्रॉन्ज मेडल भारत के पास कितने थे? 30। हरियाणा के पास कितने? 8। यानी हरियाणा ने कुल मिला के कितने मेडल जीते? 18। भारत ने कुल मेडल कितने कितने मेडल जीते कुल मिला के? 69। भारत की पोजीशन क्या रही एशियाई खेलों में? 8वीं। और हरियाणा की पोजीशन क्या रही? पहली, तो ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये खेल कहाँ हुए? तो मैंने बता दिया इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कहाँ? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में हुई थी। और कहाँ पे हुए थे? दिल्ली में। 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुए, 2014 में नेक्स्ट इचियोन में हुए थे, फिर उसके बाद में 2019 में हेंगझाऊ चीन में होंगे। कहाँ पे होंगे? चीन का एक शहर है हेंगझाऊ, चीन में होंगे, ये जरूर याद रखेंगे। ये 19वें एशियाई खेल होंगे। इन एशियाई खेलों में भारत ने कितने मेडल जीते, हरियाणा ने कितने मेडल जीते, ये सारे क्वेश्चन होंगे। मगर एक छोटा सा क्वेश्चन है ये मेरा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हरियाणा के 8 गोल्ड मेडलिस्ट, इनके नाम भी आप याद रखेंगे, क्या पता पूछ ले। विनेश फोगाट कुश्ती, बजरंग पूनिया कुश्ती, नीरज चोपड़ा, उसके बाद में चलिए अमित पंघाल और जींद के मनजीत सिंह एथलीट। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, फिर उसके बाद में नीरज चोपड़ा, फिर उसके बाद में चलिए आपका मनजीत सिंह और अमित पंघाल बॉक्सर। तो ये 5 गोल्ड मेडलिस्ट थे एशियाई खेलों में। विनेश फोगाट के बारे में एक विशेष लाइन लिखी जाती है जो आपने सुनी भी है, आपने पढ़ी भी है, कि एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी है ये कुश्ती में। एशियाई खेलों में
कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, और गीता फोगाट के पिताजी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। ये सारे संबंध रखते हैं बलाली चरखी दादरी से। कहाँ से संबंध रखते हैं? बलाली चरखी दादरी से। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इसका लंबा चौड़ा वर्णन हम करेंगे, टाइम मिलेगा तो ये जरूर याद रखेंगे। चलिए उसके बाद में वर्तमान हरियाणा में नेक्स्ट नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या क्या है? तो कितने नेशनल हाईवे हरियाणा में हैं? 32। ठीक है, एक छोटे से मैं टॉपिक बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। नंबर एक नेशनल हाईवे और नंबर दो स्टेट हाईवे, संयोग से हमारे हरियाणा में 32 ही तो नेशनल हाईवे है और 32 ही स्टेट हाईवे है। अब एक क्वेश्चन बन जाए, हरियाणा में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो पहले 10 नंबर नेशनल हाईवे था सबसे लंबा, मगर अब हो गया 9 नंबर। ठीक है, 10 का ही नंबर चेंज हो गया और नंबर हो गया 9। और पहले सबसे छोटा नेशनल हाईवे था वो कौन सा था? 64 नंबर नेशनल हाईवे था। और नेक्स्ट अब हो गया कौन सा? नेक्स्ट पहले सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा था? 64 नंबर। अब हो गया कौन सा? 254, यानी 254। ठीक है, आज हरियाणा में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? 9 नंबर। इसकी लेंथ कितनी है हरियाणा में? 285 किलोमीटर। ये जरूर याद रखेंगे, सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा हरियाणा में? 9 नंबर। पुराना नंबर क्या है इसका? 10। ठीक है, और आज सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है हरियाणा में? 254, 254। पहले इसका नंबर कितना था? 64। इसकी लेंथ कितनी है? 5 किलोमीटर। अब ये जो 5 किलोमीटर लेंथ है, ये हमारे हरियाणा के एक ही जिले में है और उस जिले का नाम है सिरसा। ये जरूर याद रखेंगे। जबकि 9 नंबर की मैं बात करूं तो इसमें काफी जिले आते हैं। अगर आपने कभी दिल्ली से यात्रा की है, हिसार की तरफ आए हो या सिरसा फतेहाबाद की तरफ गए हो, तो आप सभी को पता ही है, इस श्रेणी में सबसे पहले आता है झज्जर, फिर आता है रोहतक, फिर आता है भिवानी, फिर आता है हिसार, फिर आता है फतेहाबाद, और फिर आता है सिरसा। यानी कुल मिला के नेशनल हाईवे नंबर 9, इसका पुराना नंबर है 10, इस पे हरियाणा के 6 जिलों का वर्णन किया जाता है। जबकि 64 या फिर 254 पर एक ही जिला है, कौन सा जिला है? सिरसा। तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा हरियाणा में? 9 नंबर। सबसे छोटा कौन सा? 54 नंबर। और कुल कितने नेशनल हाईवे हरियाणा में है? 32 है। स्टेट हाईवे हरियाणा में भी 32 है। हरियाणा का सबसे लंबा स्टेट हाईवे कौन सा है? 17 नंबर। और हरियाणा का सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है? 6A। ये जरूर याद रखेंगे, 17 नंबर स्टेट हाईवे है, वो 200 किलोमीटर लंबा है निजामपुर से लेकर मुणक के मध्य। स्टेट हाईवे सबसे छोटा कौन सा है? 17 नंबर, निजामपुर से मुणक के मध्य 200 किलोमीटर। और सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है? 6A। 6A जगाधरी से पोंटा के मध्य है, 5 ही किलोमीटर इसकी लेंथ है। कितनी लेंथ है? 5 ही किलोमीटर। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, आसान सा क्वेश्चन है ये तो, कि नेशनल हाईवे कितने हमें पता ही है, 32 है। फिर मैंने बताया कुल 32 है, स्टेट हाईवे भी कितने हैं? 32 है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? 9 नंबर। सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? 254। सबसे लंबा स्टेट हाईवे कौन सा है? 17 नंबर। सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है? 6A। और इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलिए फिर उसके बारे में चलें आगे। विश्व विरासत स्थलों में शामिल कालका से शिमला के मध्य एक रेलवे मार्ग है। ठीक है, टॉय टॉय ट्रेन की बात कर रहा हूं मैं, ये नेहरू रेलवे लाइन है, आपको पता ही है। और इस रेलवे पर जो कार्य हुआ था वो कार्य हुआ था 1898 से लेकर 1903 के मध्य। ये जरूर याद रखेंगे आप। इस रेलवे मार्ग की जो लंबाई है वो है कितने किलोमीटर? 96 किलोमीटर है। इस रेलवे मार्ग में जो हमें, क्योंकि पहाड़ों को काटकर इस रेल को बना रेलवे लाइन को बनाया गया है, तो रेलवे सुरंग कितनी है? 103 सुरंगें हैं। ये जरूर याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। और ये आया था हरियाणा में विश्व विरासत स्थलों में जो शामिल रेलवे मार्ग है वो है कालका से शिमला के मध्य। कितनी लेंथ है इसकी? 96 किलोमीटर लंबा है। इस पर जो कार्य हुआ था वो हुआ था 1898 से
तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम 1898 हमारा राइट आंसर कर देंगे। नेक्स्ट, कितनी मैंने बताया पहाड़ों को काट कर इसे बनाया गया है, तो कितनी सुरंगें इसमें हैं, तो 103 सुरंगें इसमें हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, आसान सा टॉपिक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में चलिए, राजीव गांधी तापीय ऊर्जा संयंत्र, बड़ा अच्छा कि उसने पावर प्रोजेक्ट, किसकी बात कर रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट कौन सा, राजीव गांधी तापीय ऊर्जा संयंत्र, कोई डाउट ही नहीं है, जहां पे मैं हूं हिसार में, पास में ही है ये खेदड़ हिसार में। मगर पावर प्रोजेक्ट हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो 5+1 6 पावर प्रोजेक्ट है। एक पावर प्रोजेक्ट है वो गैस पर आधारित है, जिसका नाम है फरीदाबाद तापीय ऊर्जा संयंत्र फरीदाबाद, जिसकी क्षमता जो बताई जाती है वो 1500 मेगावाट है, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। मगर कोयले पर आधारित, कोयले की बात करें तो 5 तापीय ऊर्जा संयंत्र है कोयले पर आधारित, नंबर एक। पानीपत तापीय ऊर्जा संयंत्र पानीपत, नेक्स्ट, ये पानीपत जिले के आसन गांव में है, पानीपत तापीय ऊर्जा संयंत्र पानीपत, ये पानीपत जिले के आसन गांव में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो, ये हरियाणा में स्थापित होने वाला पहला तापीय ऊर्जा संयंत्र है, और इसकी क्षमता है 1370 मेगावाट, ये जरूर याद रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमारी एचएसएससी में आए हुए हैं और पूछ लेते हैं। नंबर दो, नंबर दो है दीन बंधु छोटूराम तापीय ऊर्जा संयंत्र। दीन बंधु छोटूराम तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो है अपना यमुनानगर में, दीन बंधु छोटूराम तापीय ऊर्जा संयंत्र है यमुनानगर में, और इसकी क्षमता है वो है 600 मेगावाट। कितने मेगावाट है भाई, 600 मेगावाट। फिर उसके बाद में आता है राजीव गांधी तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है, नेक्स्ट वो अपना कहाँ पे है राजीव गांधी तापीय ऊर्जा संयंत्र, हम सभी को पता ही है, मैं बता रहा था कि मैं यहीं पे हूँ, हिसार में हूँ, हिसार में ये है, और हिसार के कौन से गांव में है ये, तो खेदड़, खेदड़ हिसार में है, ये जरूर याद रखेंगे। और इसकी क्षमता जो है वो है 1200 मेगावाट। फिर उसके बाद में आता है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, दो तापीय ऊर्जा संयंत्र जैसे पानीपत, पानीपत में हो गया, दीनबंधु छोटूराम यमुनानगर में हो गया, राजीव गांधी अपना हिसार में हो गया, तो दो तापीय ऊर्जा संयंत्र है झाड़ली झज्जर में। कितने तापीय ऊर्जा संयंत्र, दो तापीय ऊर्जा संयंत्र है झाड़ली झज्जर में। इनसे संबंधित भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, नंबर एक महात्मा गांधी तापीय ऊर्जा संयंत्र, और नंबर दो है इंदिरा गांधी तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो ये जरूर याद रखेंगे, महात्मा गांधी तापीय ऊर्जा संयंत्र और इंदिरा गांधी तापीय ऊर्जा संयंत्र, महात्मा गांधी तापीय ऊर्जा संयंत्र और इंदिरा गांधी तापीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। तो महात्मा गांधी तापीय ऊर्जा संयंत्र है अपना कहां पे, और इसकी जो शुरुआत हुई वो 2012 में, और इसकी क्षमता है 1320 मेगावाट, और इंदिरा गांधी तापीय ऊर्जा संयंत्र की जो शुरुआत हुई थी वो 2013 में, और इसकी क्षमता है 1500 मेगावाट। तो यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन बने हुए हैं एचएसएससी में, तो जरूर याद रखेंगे। इन्होंने तो एक ही पूछा, मैंने सारे बता दिए आपको, पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, हरियाणा में जो पावर प्रोजेक्ट हैं मैंने बताया कोयले पर आधारित, कितने पावर प्रोजेक्ट है हरियाणा में, 6। गैस पर आधारित कितना पावर प्रोजेक्ट है हरियाणा में, एक। कौन सा है, फरीदाबाद तापीय ऊर्जा संयंत्र फरीदाबाद, ठीक है। क्षमता कितनी है, 1500 मेगावाट। कितनी, 1500 मेगावाट, ठीक है। पानीपत तापीय ऊर्जा संयंत्र अब पानीपत जिले के आसन गांव में, दीनबंधु छोटूराम तापीय ऊर्जा संयंत्र यमुनानगर में, राजीव गांधी तापीय ऊर्जा संयंत्र ये आया हुआ है अपना खेदड़ हिसार में, महात्मा गांधी तापीय ऊर्जा संयंत्र झाड़ली झज्जर में, और इंदिरा गांधी तापीय ऊर्जा संयंत्र झाड़ली झज्जर में, ठीक है। पानीपत 1370 मेगावाट, फिर 600 मेगावाट, फिर 1200 मेगावाट, फिर 1320 मेगावाट, फिर 1500 मेगावाट, ये जरूर याद रखेंगे। यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं अपनी एचएसएससी में। चलिए फिर उसके बारे में चलते हैं हरियाणा, हरियाणा का वह अकेला, तो ये क्वेश्चन तो अब गलत हो गया, मैंने पहले पढ़ाया था आपको, बताया था कि दो जिले हो गए हरियाणा में, रोहतक और सुरखीदादरी, ठीक है, जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है, क्योंकि मैंने बता दिया आपको अब दो जिले हो गए, एक ही श्रेणी में और जिला हो गया जिसे हम बोलते हैं दादरी, ठीक है। अब दो जिले हरियाणा के वो हो गए, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश को 7,
फिर उसके बाद में राजस्थान को 7, पंजाब को 7, और नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश को 3, उत्तराखंड को 1, फिर चलिए अपना चंडीगढ़ की अगर बात करें और दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली को हमारे हरियाणा के कितने ज़िले छूते हैं? दिल्ली को हमारे हरियाणा के 4 ज़िले छूते हैं। और चंडीगढ़ की मैं बात करूँ तो चंडीगढ़ को हरियाणा का कितना ज़िला छूता है? एक ही ज़िला छूता है, वो है पंचकूला। और दिल्ली को जो 4 ज़िले छू रहे हैं वो कौन सा है? सोनीपत हो गया अपना, झज्जर हो गया, फरीदाबाद हो गया, और पलवल सॉरी गुड़गांव हो गया। तो ये 4 ज़िले हैं। तो इस तरह से ये ज़िले हो गए, मगर दो जिले कौन से मैंने आपको बताए थे, एक रोहतक और एक चरखी दादरी। दो जिले हरियाणा के वो हैं जो ना ही तो किसी राज्य को छूते हैं और ना ही किसी केंद्र शासित प्रदेश को यहां से क्वेश्चन आते हैं। चलो उसी क्वेश्चन के आधार पे अगर मैं बताऊं तो आप देखिए, जींद, वैसे ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एचएसएससी में कि जींद किस राज्य को छूता है, तो आप याद कीजिए, जींद किस राज्य को छू रहा है? जींद छू रहा है किसे भाई? पंजाब को। फिर मैं बात करूं सोनीपत, सोनीपत किस राज्य को छू रहा है? तो सोनीपत राज्य को छू रहा है उत्तर प्रदेश को, और कौन से केंद्र शासित प्रदेश को छू रहा है? दिल्ली को। सिरसा, सिरसा की बात करें तो सिरसा तो दो राज्यों को छूता है, सिरसा पंजाब को भी छूता है, और सिरसा किसे छूता है? राजस्थान को भी छूता है। चलो ठीक है, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे और आगे फिर करेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने जो आज आपको टॉपिक करवाया वो कौन सा था? एसआई के पेपर हुए थे। ये मैंने दोनों शिफ्ट के ज्योग्राफी के क्वेश्चन लिए हैं, कौन से? इवनिंग और मॉर्निंग। ठीक है, ये ज्योग्राफी के आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ये आप सारे क्वेश्चन देखेंगे और अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है।